पागबड़ा थाना क्षेत्र में पागबड़ा डिंगरपुर रोड पर बृहस्पतिवार की शाम को आईएफटीएम से संबल छात्र छात्राओं को लेकर जा रही बस पर कुछ छात्रों ने अपने साथियों के साथ हमला बोल दिया और छात्रों का आरोप है कि अवैध असलहों से फायरिंग की और छात्रों के साथ मारपीट भी की। इस घटना में बस सवार कुछ छात्र मारपीट में मामूली रूप से घायल हो गए। सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और तीनों छात्रों ने पुलिस को घटनाक्रम बताया। सूचना मिलने पर छात्रों के परिजन भी चौकी पहुंच गए। पुलिस ने छात्रों की तहरीर पर कार्यवाही शुरू कर दी है। घटना बृहस्पतिवार शाम करीब 4:30 बजे पागबड़ा क्षेत्र के रतनपुर करनपुर चौराहे की है। बस में सवार छात्रों ने चौकी में तहरीर देकर कहा कि मनीष उर्फ पंडित ने अपने साथियों के साथ मोटरसाइकिल लगाकर बस रोककर छात्रों पर हमला बोल दिया। बस में सवार छात्रों का आरोप है कि आरोपी मनीष और उसके साथियों ने फायरिंग भी की, जिससे बस में चीख पुकार मच गई। छात्रों ने तहरीर में बताया कि हमला करने वाला भी आईएफटीएम का छात्र है। मारपीट के शिकार हुए छात्र मोहम्मद कैफ, नूर मोहम्मद और असलम ने जान से मारने की नियत से हमला करने और फायरिंग करने की तहरीर देकर कार्यवाही की मांग उठाई है। सारे जो स्टूडेंट इकट्ठा हुए हैं, सर ये मनीष नाम का लड़का है लोधीपुर का, इसने अचानक से आके बस बकैनिया आ चुकी थी, अचानक से आके बस पे हमला करा, मार पिटाई भी करी। हमारे कहाँ की बस थी ये? कहाँ की बस थी? यूनिवर्सिटी मोरादाबाद। अच्छा, ये जो लड़का है ये कौन है? ये मनीष नाम है लोधीपुर। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में 2-4 लड़के ऊपर चढ़े, डंडे लेके मार पिटाई करी, उसके बाद में 3 फायर करे और अपनी बाइक लेकर भाग गए। अच्छा, फिर आप नूर मोहम्मद के ज़्यादा चोट है थोड़ी। तो आपने किसे सूचना दी फिर? ये थाना पागबड़ा में लगता है, SGZ चौकी पर। अच्छा, तो कोई फायरिंग वायरिंग कोई घायल हुआ इसमें? फायरिंग लगी नहीं है किसी के, लेकिन फायर 3 करे उन्होंने। अच्छा, ये कौन लोग हैं जो फायर कर रहे थे? ये छात्र ही हैं यूनिवर्सिटी की। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे थे? उनके साथ 4-5 लोग। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे थे? ऐसा पता नहीं। क्या आपने कोई तहरीर वगैरह दी है थाने में? तहरीर दी है थाना पागबड़े में।